2024 बाकी है मात्र कुछ ही महीने, परंतु क्या आपको पता है 2024 में भारत के अंदर कुछ ऐसे घटनाएं घटने वाले हैं जो कि देश के इतिहास को बदल देगा। क्योंकि 2024 भविष्य मालिका प्रेडिक्शंस आपके रातों की नींद उड़ा देगा। पंच सखाओं ने कहा था कि कलयुग 47 अंक में समाप्त हो जाएगा एवं सत्यकली 48 अंक में आरंभ होगा। आपने सतयुग तो सुना होगा, परंतु ये सत्यकली क्या है? क्या है इस 47 एवं 48 अंक का रहस्य एवं सबसे महत्वपूर्ण क्या होने वाला है वर्ष 2024 में? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, नारियों के ऊपर जघन्य अत्याचार, विनाशकारी दंगे, लगातार बढ़ते खाद्य सामग्रियों का मूल्य, लड़खड़ाते सरकारें, टूटता अर्थव्यवस्था, 2023 में पृथ्वी पर बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं ने कहा था। तो क्या 2024 में भी वही होगा जैसा भविष्य मालिका में लिखा है? ये प्रश्न आप में से अनेकों सदस्यों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा था एवं इसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, कौली से सौ हो जे सौड़ जे चालीस, सत्य कौली जे प्रवेशिव आठ जे चालीस, निशार जे जन माने शयन रे थिबे, रात्र जे पाहिले सत्य वचन कहिबे। अर्थ कलयुग समाप्त होगा 47 अंक में एवं सत्य कली का आरंभ होगा 48 अंक में। मनुष्य रात में सोकर जब सुबह उठेंगे तब उनके मुख से केवल सत्य वचन ही निकलेगा, यानी मात्र एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा। आपने सत्ययुग तो सुना होगा, परंतु ये सत्यकली क्या है? सत्यकली एक ऐसा समय या कालखंड जो कि कलयुग एवं सतयुग के मध्य भाग में आता है, जब कलयुग के कली का अस्तित्व मिट जाएगा, यानी जब पृथ्वी पर से सभी पापी म्लेच्छ अधर्मियों का अंत हो जाएगा, तब सत्यकली आरंभ होगा। क्या आप रातों रात एक घर का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। क्या आप मात्र एक दिन का पढ़ाई करके कोई परीक्षा पास कर सकते हैं? नहीं। क्या आप एक घंटे में एक कार बना सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह सत्यकली में प्रकृति तथा पृथ्वी एवं उस पर पनप रहा जीवन नए निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ पूर्ण सतयुग में परिवर्तित हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पंच सखाओं ने कहा था 44 अंक में समग्र विश्व पर कली का राज होगा, तब सबसे अनजान गुप्त अवस्था में कल्कि अवतार संभल नगर में निवास कर रहे होंगे, 46 अंक में कल्कि महायुद्ध का घोषणा करेंगे एवं उत्तर पश्चिम कोण में बड़े बड़े योद्धाओं का संहार करेंगे, 47 अंक में कलयुग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा एवं 48 अंक में सत्य कली का आरंभ होगा, 44, 46, 47 एवं 48। आखिर क्या है इन अंकों का रहस्य? क्या ये सभी अंक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कहा गया है या फिर कुछ और? भविष्य मालिका के अंक गणना में 4 अंक वाले वर्ष का केवल अंतिम 2 अंक ही ग्रहण किया जाता है, यानी 4 डिजिट्स में से केवल लास्ट 2 डिजिट्स ही काउंट होंगे। क्या आपने सका पंचांग का नाम सुना है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी इंडियन नेशनल कैलेंडर का प्राचीन नाम है सका पंचांग। किसी किसी राज्य में इसे युगाब्ध या सकाब्ध भी कहा जाता है। केवल भारत ही नहीं, इंडोनेशिया, फिलीपींस समेत विश्व के अनेकों देशों में सनातनी आज भी इस पंचांग को फॉलो करते हैं। अंग्रेजी वर्ष 2022 में सका पंचांग का अंक था 1944, यानी 2022 में 44 अंक, 2023 में 45 अंक, 2024 में 46 अंक, 2025 में 47 अंक एवं 2026 में 48 अंक। पंच सखाओं ने कहा था कि 44 अंक में कली का राज होगा, 46 अंक में कल्कि अवतार महायुद्ध का घोषणा करेंगे, 47 अंक में कलयुग समाप्त होगा एवं 48 अंक में सत्य कली का आरंभ होगा। कुछ समझे?
आज का विषय है 46 अंक यानी 2024। इसी 2024 में भारत पर 13 इस्लामिक देश चाइना के साथ मिलकर आक्रमण कर देंगे। इसी 2024 में पुनर्वार भारत के भूमि पर कलयुग के महाभारत का शंखनाद होगा। इसी 2024 में भारत के अंदर इस्लामिक विद्रोह होगा। इसी 2024 में गुप्त मृत्यु होगा। इसी 2024 में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक भी विरोधी नहीं बचा रहेगा। इसी 2024 में उठेगा समुद्र, गरजेंगे जगन्नाथ, पापी मलेच्छों का अंत करके भक्तों को दर्शन देंगे कल की अवतार। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो 2024 कलयुग का अंतिम वर्ष है, क्योंकि इसके बाद कौन बचेगा कौन नहीं बता पाना कठिन है। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले भविष्य के प्रति सतर्क करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये सब आरंभ होगा तब मनुष्यों का दिमाग काम करना बंद कर देगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, जाना कहाँ है। घर के अंदर मृत्यु, घर के बाहर भी मृत्यु। पृथ्वी पर हाहाकार छा जाएगा। हर दिग में केवल जंगली जानवर एवं योगियों का चित्कार ही सुनाई देगा। कलयुग का अंत अत्यंत भयंकर होने वाला है। इतना भयंकर कि आधे तो उस दृश्य को देखकर ही प्राण त्याग देंगे। बचेंगे केवल वही जो सत्य न्याय एवं धर्म के पथ पर होंगे। मैंने आपको बार बार कहा है, आज पुनर्वार कहता हूँ, काला पहाड़ पर नजर बनाए रखना। इस भयंकर विनाश के बाद हजारों वर्षों का स्वर्णिम युग आरंभ होने वाला है। गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, सत्योजे देखिण इंद्र करिबे पालना, राजा दृष्टि न रहिब न होइबे बणा, भक्त मानंकर कष्ट जीव से दिनरु, आनंद होइबे सुनी आंभ श्री मुखरु। अर्थ, सत्य का पुनरुद्धार देख इंद्र फिर से अपने धर्म का पालन करेंगे। राजा गण प्रजा पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे। भक्तों के सभी कष्ट दूर होंगे। एक नए सुख समृद्ध सभ्यता का नींव रखा जाएगा। सतयुग तो हर कोई देखना चाहता है, परंतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल तो करना पड़ेगा ना। इस परीक्षा में न आप नकल कर सकते हो, ना ही घूस देकर पास हो सकते हो। इस अंतिम परीक्षा में आप पास होंगे कि फेल, ये तो केवल और केवल आपके कर्म ही बता सकते हैं। इस कर्म के सिद्धांत से देवी देवता ना बच पाए। हम तो सामान्य मनुष्य हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा था, मैं ब्रह्म हूँ, परंतु मैं भी इस कर्म एवं धर्म के सिद्धांत में बंधा हुआ हूँ। अंत में इतना कहूंगा, अहंकार का त्याग करो, घमंड का अंत करो, सत्य का पालन करो, धर्म के पथ पर चलना शुरू कर दो। गारंटी तो नहीं दे सकता, परंतु इसका फल अवश्य अच्छा ही प्राप्त होगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही सही, पर शुभ फल अवश्य मिलेगा। बाकी जैसी जिसकी सोच। क्या आप बता सकते हैं कि विरजा पंचांग या कैलेंडर कौन से राज्य में फॉलो किया जाता है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे। सही उत्तर है राकेश शर्मा। विजेता का नाम है धनराज द्रविड। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।